गुड मॉर्निंग, मैं पूनम चौधरी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल ज्ञान के ऊपर स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ देखेंगे डीएनसी में यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स के नाम और उनके साइजेस और उनके काम क्या हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप डीएनसी के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप डीएनसी के बारे में वहाँ से जान सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सारे इंस्ट्रूमेंट मैंने अरेंज करके रखे हुए हैं, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये खसखस स्पेकुलम है, इसको खसखस स्पेकुलम कहते हैं, और ये सिम्स स्पेकुलम है। सिम्स और खसखस दो तरह के स्पेकुलम होते हैं, दोनों में अलग अलग साइजेस आती हैं, दोनों ही वल्वा वेजाइना को खोलने के काम आते हैं। इन दोनों के अलग अंदर अलग अलग साइजेज आती हैं। ये है टावल क्लिप जो कि लिनिन को टाई करने के काम आती है। ये किडनी ट्रे है और ये बाउल है जिसमें हम बिटाडीन वगैरह ले सकते हैं, जेली ले सकते हैं पेंटिंग करने के लिए। ये स्पंज होल्डर है जिससे हम पेंटिंग करते हैं। अगर आप पेंटिंग पर पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये यूटेराइन साउंड है, इससे यूट्रस की डेप्थ देखते हैं, इसको यूटेराइन साउंड बोलते हैं। इसका काम है यूट्रस की डेप्थ देखना। ये सर्विक्स डायलेटर हैं, इनको सर्विक्स डायलेटर कहते हैं। इसके अंदर अलग अलग साइजेज आती हैं। सबसे पहले हम सबसे छोटा वाला देते हैं, इसकी मोटाई बहुत ही कम है, तो सर्विक्स को डायलेट करने के यानी खोलने के काम आता है ये। तो इसमें अलग अलग साइजेज आती हैं, इसमें तकरीबन 10 साइजेज आती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 नंबर तक आते हैं। तो हमको सबसे पहले सबसे छोटे वाला डायलेटर देना है, और आप जब भी डायलेटर दें तो इसकी इस टिप पे और इस टिप पे दोनों पे आप जाइलोकिन जेली लगा के दें, जिससे कि ये इजीली अंदर लुब्रिकेंट का काम करेगी आपकी जेली और लोकल का भी। तो आप जेली लगा के दें, जाइलोकिन जेली। अब ये डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के सक्शन हैं, सक्शन कैनुला हैं, ये सक्शन का भी काम करते हैं और क्यूरेट का भी काम करते हैं। आप देख सकते हैं इधर से, ये क्यूरेट का भी काम कर सकता है और सक्शन का भी काम करता है। इसके अंदर भी देख सकते हैं आप अलग अलग साइजेस के हैं ये कैनुलास। तो हम सबसे पहले सबसे छोटा देंगे, फिर सबसे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और इसमें भी है ना 6-7 साइजेस आती हैं। तो सबसे पहले आपको सबसे छोटे वाला ही सक्शन कैनुला देना है, ये वाला। इसको बोलते हैं टीनाकुलम। ये टीनाकुलम है जो कि सर्विक्स को होल्ड करने के काम आता है। इस तरीके से इससे होल्ड करते हैं सर्विक्स को, खोल के सर्विक्स में लगा के और सर्विक्स को खोलने के या रिट्रैक्ट करने के, होल्ड करने के, बेसिकली हम बोल सकते हैं होल्ड करने के काम आता है। ये दो होते हैं, ये तो है टीनाकुलम और ये है वेलिसिलम। तो ये दोनों का ही काम एक ही है, सर्विक्स को होल्ड करना। तो आपका जो भी डॉक्टर प्रीफर करे, टीनाकुलम करता है, वेलसिलम करता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये सर्विक्स होल्डिंग के काम आते हैं, दोनों का काम एक ही है, लेकिन जो सर्जन प्रीफर करे हम उसे ले सकते हैं। इसको कहते हैं ओवम फोरसेप। ये ओवम फोरसेप है, ये देखिए आगे से इस तरह का होता है, इसको ओवम फोरसेप कहते हैं। ये अंदर से मटेरियल को इस तरीके से निकालने के काम लेते हैं इसको सर्जन्स डॉक्टर्स, इसको हम कहते हैं ओवम फोरसेप। आप देख सकते हैं ये ओवम फोरसेप है। ये है क्यूरेट, ये अंदर से मेम्ब्रेन्स को क्यूरेट करने के काम आता है, इसलिए इसको क्यूरेट कहते हैं। ये क्यूरेट है, इस तरीके से हैंडल है, पकड़ के अंदर से इस तरीके से क्यूरेट करते हैं, इसको क्यूरेट बोलते हैं। ये एंडोमेट्रियम बायोप्सी के लिए पंच है, एंडोमेट्रियम बायोप्सी पंच है, इसको इस तरीके से खोल के सर्जन अंदर डाल के और इसके अंदर आपके एंडोमेट्रियम का पार्ट फंसा के इस तरीके से इसको
बायोप्सी लेते हैं, इस तरीके से इसमें फंसा के बायोप्सी लेते हैं, इसको एंडोमेट्रियम बायोप्सी फोरसेप कहते हैं, एंडोमेट्रियम बायोप्सी फोरसेप, ये एंडोमेट्रियम बायोप्सी फोरसेप है। अब ये है योंकर कैनुला, इसको कहते हैं योंकर कैनुला, ये एस्पिरेट करने के काम आता है। जब आपको बताया था मैंने पहले, ये कैनुलाज लेते हैं एस्पिरेट करने के लिए, लेकिन सबसे लास्ट में जब इनसे हो जाता है तो सबसे लास्ट में ये कैनुला लेते हैं। कई डॉक्टर्स लेते हैं, कई नहीं लेते हैं, लेकिन सबसे लास्ट में ये लेते हैं। ये इससे इंजरी नहीं होती है, आगे से ये ब्लंट होता है, इसको योंकर कैनुला कहते हैं। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि लोगों को पता चल सके कि हम डीएनसी में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।